शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपके साथ होती हूँ बुध जुमेरात और जुमे वाले दिन रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी इस्लामाबाद में तो बहुत ठंड है ठंड, लेकिन क्योंकि माय स्टूडियोज़ माशाल्लाह से बड़े वेल टेम्परेचर मेंटेन हुआ है तो आप इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ऑब्वियसली बाहर आप जाते हैं जब, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा अपना को वार्म रखना है। मेरे पास जैकेट भी होती है, शॉल भी होती है और बाकी जो लवाजमात हैं वो भी होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में ठंड का जो एक मज़ा है, जिसमें कपड़े पहनने का, बाल बनाने का और ओवरऑल एक मूड जो होता है खाने पीने का, वो बहुत मज़ा आता है। हलवे और जो हमारे देसी लवाजमात हैं शाम के, वो अब खाने का बहुत मज़ा आता है। और कहते हैं कि अगर आप सर्दियों में आपने अपनी इम्यूनिटी यानी कूद मदाफियत जो है उसको बढ़ाना है या उसको बिल्कुल ठीक करना है, उसको मजबूत करना है, तो आपने सर्दियों में अच्छे अच्छे खाने खाने, बेशक कम खाएं आप, जिनमें हलवा जात हैं जो कि आप घर में बना सकते हैं, जर्दा हो गया, पुलाव हो गया, ये जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, पंजीरी हो गई, ये आपकी इनर जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, आपको तवाना रखते हैं। और आपकी बीमार होने का जो एक होता है ना कि जी बीमार हो गए, तो वो आपकी इम्यूनिटी अगर लो होती है तो आप बीमार हो सकते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी मेकअप आर्टिस्ट हैं नजमा जहाँ साहबा। उन्होंने अपने हाथ से मूंगी की दाल के जो दही बड़े और दही फुलकी है वो बनाई है, तो वो उन्होंने मुझे दी, क्योंकि मैं तैयार जब हो जाती हूँ तो मैं फिर खाना मेरे लिए ज़रा उस वक्त मुश्किल होता है। तो इस वक्त मेरे पास ये हैं, देखें कितना होममेड चीज़ें जो है ना, आई थिंक आई जस्ट लव देम। और मेरा अब बिल्कुल बाहर खाने का नहीं होता, मैं कुछ भी हो जाए, कोई मजबूरी हो तो मैं बाहर का खा लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मेरा ये नहीं होता कि चलें जी फलानी जगह चलते हैं कुछ खा लेते हैं। सो लेट मी टेस्ट, क्योंकि इसी वक्त वहाँ पे उनकी बर्थडे थी, कल सालगिरह थी, तो उसकी अभी एक अदद पार्टी चल रही है वहाँ पे। बिस्मिल्लाह रहीम। वाह नजमा, क्या बात है आपकी, वाह ज़बरदस्त। ये जो स्क्रैच से बनाना होता है ना दही फुल्की या दही बड़े जो होते हैं, वो मेहनत तलब होता है, लेकिन उसका जो आउटकम होता है ना वो वंडरफुल होता है। ये मैं शो में साथ साथ ही खाती रहूँगी। आज का आपको सबसे पहले सवाल बता दूँ, सिबाल क्या है? दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनेमा हाउस, सिनेमा घर जो है वो किस मुल्क में है? और ऑप्शंस आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा मुल्क होगा उसी में सबसे ज़्यादा सिनेमाज भी होंगे। तो आज का नाज़रीन, ड्रेस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये 3 साल पहले मैंने एक ड्रेस लिया था जो कि मेरी कबर्ड में था, और मैं हर दफ़ा सोचती थी अच्छा पहनूंगी, फिर मैंने नहीं पहना। फिर आज मैंने सोचा कि यार मैं पहनूं, पता नहीं मुझे फ़िट आता है कि नहीं आता, 3 ईयर्स बैक, बट थैंक गॉड मैं एक एक्स्ट्रा ड्रेस लेके आई थी। मैंने कहा अगर फिट ना आया तो मेरे पास फिर ऑप्शन हो, वरना भाग दौड़ मची हुई होगी। सो इट फिट मी। सो कहने का मकसद ये है कि आप खाएं सब कुछ, अपनी एनर्जी को वो रखें, साथ साथ आपने एक्टिव रहना है। जो लोग पसरे रहते हैं, सुस्त होते हैं, वो बेशक अगर जिम भी जाएं या वो कुछ भी करें, उनकी एक वाइटैलिटी और जो एनर्जी लेवल है वो उसी वक्त होता है जब आप सारे काम जो है करने की कोशिश करें, तो दैट्स द बेस्ट। क्योंकि वो कहते हैं ना, जिससे मैंने कल के शो में कहा, विल स्मिथ का नाम ही उनके फादर ने इसीलिए रखा विल, कि वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया में पैदा हों और जो काम यहाँ पे हैं वो आप ना कर सकें। सो हैव दैट ड्राइव, हैव दैट मोटिवेशन, और आप इंशाल्लाह जो है कोई भी चीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं आज यही सोची थी, अंडर एस्टिमेट कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करना ही बेहतर होता है। तो इसी का नाज़रीन, रस्ते में मम्मी से मेरी बात होती है, कहती भाई पहुँच गई ये वो। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? दार भजन बार भजन, उनको भी मेरा ख़ास सलाम, और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ख़ास सलाम। और आज क्योंकि फ्राइडे का दिन है, तो आज इस हफ्ते का लास्ट शो होगा, तो सारे सर्स भी इस वक्त मौजूद हैं। तो सर कामरान, सर शाहिद, सर मंसूर एंड सर जवाद, उनकी फैमिलीज़ को मेरा, पूरी टीम का ख़ास सलाम। हैव अ ग्रेट वीकेंड नाज़रीन, कल मेरा भी वीकेंड हो जाएगा। तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे मैं आपके साथ होती हूँ लाइव 9 से 10:30 बजे। एक हमारे साथ कॉलर हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं सारा बात कर रही हूँ खुशाब से। सारा बात कर रही हूँ खुशाब से। सारा आपकी फरमाइश पे आज बन रही है हलीम, दलीम, सॉरी। आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी की। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आमीन सुमामीन, आपको भी सलामत रखे। सो आज आपने स्क्रैच से आपको बनाना बताऊंगी,
तो अम्मी देखे आप बनाएंगी कि अम्मी बनाएंगी? ये अम्मी और मैं मिलकर बनाएंगे। कौन बनाएंगे? ये अम्मी और मैं मिलकर बनाएंगे। अच्छा अम्मी बनाएंगी, ओके जबरदस्त, ठीक है। तो आज की रेसिपी देखना, इंशाल्लाह बहुत इजी हलीम है और आप जरूर आपको अच्छी लगेगी, घर में बनाएंगे। जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूं। दें दें दें। जी मेरे ख्याल से यूएसए है। यूएसए है जी। यूएसए में सबसे ज्यादा सिनेमाज है। आर यू श्योर? ऑलराइट ठीक है, आपका सवाल जो है वो मतलब जवाब जो है वो नोट कर लिया। जी वो मैं कह रही हूं कि आप आज बहुत प्यारी लग रही है, ब्लू सूट में सुंदरला लग रही है। ओह थैंक यू यार, ओल्डर वर्जन ऑफ सिंड्रेला आई मस्ट से। नहीं थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारे से कॉम्प्लीमेंट का। ऐसे रियलिस्टिक होना बड़ा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आज की जो हमारे स्टार स्पॉन्सर हैं, जो कि हमेशा बड़ी ज़बरदस्त अपनी कलेक्शन लेके आते हैं, हील्स शूज़, जो कि आपके इस्लामाबाद रावलपिंडी में जहाँ आप शॉपिंग मेन एरियाज़ हैं उधर जाएँ तो इनके शूज़ आपको अवेलेबल होंगे। इंसान की शख्सियत को पुरअसर और दिलकश बनाने के लिए जहाँ अच्छे कपड़े, अच्छा हेयर स्टाइल, अच्छा मेकअप ज़रूरी है, इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं शूज़, यानी जूते। तो जूते आप इनके नई कलेक्शन देख लें, शादियों का सीज़न आ रहा है और आपकी पर्सनालिटी का पहला तासुर जूतों की वजह से ही होता है। सो हील्स की जो नाम है स्टाइल का, जो नाम है ड्यूरेबिलिटी का, जो नाम जिद्दत का, घर हो या ऑफिस, पार्टी हो या शादी, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या कोई ख़ास इवेंट, फैशन की बात हो या अपनों का साथ, कहीं जाना हो या कहीं कुछ ख़ास लेके जाना हो, बस हील्स बेस्ट है। क्योंकि हील्स की ख़ास बात यह है कि आपकी प्राइस रेंज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी प्राइस रेंज के मुताबिक आपके नीड्स को फुलफ़िल करता है। और आप सबके लिए एक खुशखबरी ये है, बहुत ही पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि आप लोग जितने कॉलर्स आज कॉल करेंगे, सारा की पहली कॉल थी फ्रॉम खुशाब, वो भी इसमें जो है वो हो जाएंगी, क्या कहेंगी, शामिल तफ्तीश हो जाएंगी, मतलब शामिल हो जाएंगी इस जो हमारी प्रमोशन है उसमें। तो जितने कॉलर्स आज कॉल करेंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे और उनकी नाम की पर्चियां जो हैं गुलदाद भाई लिखते जाएंगे MCR में, और फिर एंड में हम एक जो खुशनसीब हैं उनकी पर्ची निकलेगी और उनको मिलेगा क्या अजी ड्रेस, अगर इस तरह का फॉर्मल पहना हो ना तो उठने में बैठने में बड़ी तकलीफ हो जाती है, उनको मिलेगा ये अदद कह रही हूँ, ये एक अदद ज़बरदस्त सी हील्स का शू मिलेगा। इसलिए फ़ौरन से भेजते हैं, जल्दी जल्दी कॉल करें क्योंकि इसमें कोई आपको तगो दो या मेहनत नहीं करनी, आपने कॉल करनी है, कॉल करेंगे आपका नाम जो है कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा एंड जो लकी विनर आज होगा, जिसका नाम निकलेगा एंड में उस क्या कहते हैं बोल से, वो विन कर लेगा हील्स की तरफ से ज़बरदस्त से इनके शू का जोड़ा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? तारिक बात कर रहा हूँ मैम। तारिक बात कर रहे हैं, तारिक कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से कैसे हैं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करम। क्या कहना चाहेंगे तारिक साहब? कल आपको मैंने जर्दा की भेजे थे व्हाट्सएप की, वो मैंने बहुत ढूंढा, एक तो वो एक कॉलर बीच में कॉल कर रहे थे व्हाट्सएप पे, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज दोबारा से वो जर्दे की तस्वीर मैंने सेंड किया था। क्या किया था? तीन दफा मैंने सेंड किया। हाय हाय नहीं मिला, कसम से नहीं मिला, कसम से। तो कैसे है, दोबारा से भेज दे आप, आपको किसी दिन हलवा मैं बना के भेजूंगा। भेजे आप खुद लेके आए? केक हलवा। कौन सा हलवा? केक हलवा। केक का हलवा कैसे होगा वो देख लें, आपके प्रोग्राम में लाइव ही बना सकते हैं। अच्छा जी। प्रोग्राम में आना चाहते हैं आप हैं? जी जी। हलवा भी बनाएंगे, सौदा अपना खुद लाएंगे कि हमें लाना पड़ेगा? इंशाल्लाह ताला। यू नो आपको अपनी चीजें खुद लानी पड़ेंगी, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल जी। यू नो अपनी मदद आपके जरिए ये हलवा पक सकेगा यहाँ पे। बिल्कुल खाएंगे आप? खाएंगे हम इंशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह यहाँ पे सारे जो है रेस्लर्स हैं, फिक्र ना करें, अभी आप पीछे मुड़ेंगे शुभ गया सारा काम हो गया तमाम। जी जी। अच्छा आज के सब आप भी शामिल हो जाएंगे तारिक साहब, ये जो प्रमोशन है आज हील्स के जूते शू की, तो आपका भी अगर नाम निकल आया तो आपका आपको कॉल करके आपका एड्रेस ले लेंगे और आप तक ये जो है कुरियर के जरिए पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। मैं फिजिकली खुद ही रिसीव कर लूंगा जी। अच्छा करीब रहते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। कहाँ? जी जी। किधर रहते हैं?
बस ये फैजाबाद के पास। फैजाबाद के पास? फैजाबाद के पास तो बहुत जगह है, I-8 है, दूसरी तरफ वो होटल है, फिर वो होटलों के अंदर रहते हैं? नहीं नहीं, I-8 में रहते हैं। अपना घर है जी, पाकिजा मार्केट के साथ साथ। हाँ जी, ये फैजाबाद अड्डे के साथ है। अच्छा ठीक है, बस सही है, आप आके खुद ही ले लेना हील्स पर। ठीक है, ओके। अब ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिनेमाज किस मुल्क में हैं? यूएसए में है। यूएसए, ओके ठीक है, यूएसए में है। आपका जवाब नोट कर लिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बिफोर आई गो फॉर द हलीम, हलीम से पहले मैंने आपको दिखाना है, इसके साथ मैंने ये मेरी बड़ी है, मैंने आपको पता है कोहमरी में गई थी 4 साल पहले, तो वहाँ से मैंने ली थी। दिस इज़ नॉट ऑब्वियसली ओरिजिनल, ओरिजिनल तो लाखों रुपए की आती है। ये देखें, मैंने सोचा था ये इसके साथ, लेकिन मैं बिल्कुल बहुत कुछ आंटी टॉमस लग रही थी, तो इसलिए ये देखें, ये इसके साथ मैंने कहा कि अगर किसी शादी वादी में जाना हो तो फिर मैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, ओह ऑटोग्राफ, हाँ ज़रूर, तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। ये इसके साथ है, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट शॉल है, और ये जो ओरिजिनल्स होती हैं वो ऑब्वियसली आर टू वे आउट ऑफ एटलीस्ट माय रेंज। सो शॉल्स भी अच्छी कलेक्शन, मम्मी के पास माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है, बॉक्स है उनका जिस पे मम्मी बैठ जाती है बॉक्स पे, क्योंकि उसमें काफ़ी महंगी महंगी शॉलें हैं, बट माशाल्लाह से वो कहती हैं कि शॉल को हमेशा लाइट होना चाहिए। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और आप लोगों ने जल्दी जल्दी कॉल करके इस प्रमोशन हील्स में हिस्सा लेना है, ताकि आपकी बग़ैर कुछ किए हुए आपका नाम पूरी अंदाजी में चला जाएगा। अब आ जाते हैं, अच्छा ये देखें मैंने पहले से लिख दिया माशाल्लाह से, हलीम जिसको दलीम कहते हैं, सॉरी सर ने मुझे करेक्शन की थी लेकिन दिमाग वहीं पे है। सारा खुशाब, और नाज़रीन थैंक यू सो मच, आई वॉन्ट टू थैंक यू अमाद जो कि हमारे टीम के मेंबर भी हैं, और वो बड़ा कि उन्होंने मुझे ये मग जो है प्रेजेंट किया। ये देखें, एथे केटू हैगा ते एथे मैं, ते केटू ते मेरी शादी होने वाली है, होने वाली नहीं है नाजी, हो चुकी है, केटू के साथ मैंने शादी कर ली है, ठीक है। और ये सारे मेरे बच्चे हैं जितने इतने माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे हैं, गॉड केटू ने तो कमाल कर दिया। अच्छा नाजीन सॉरी, कभी कभी मैं कैरिड अवे हो जाती हूँ, बट डजेंट मैटर, हो जाना चाहिए इंसान को कैरिड अवे। अच्छा जी, ए ए मैंने पहले से इसको इसलिए ऑन कर लिया कि इसमें मैं डालूंगी तेल। लवाजमात में ये है, जो चिकन है, मैं बिल्कुल कॉल ले लेती हूँ, चिकन है, इसको हमने इस तरीके से बॉयल करके आपने श्रेड कर लेना है, ताकि छोटे छोटे पीस जो है वो फैल जाएँ। उसके बाद इसमें लवाजमात में माशाल्लाह गुलदाद भाई आज तो आपने कमाल कर दिया, ये जो बॉयल की हुई चिकन है ये उसका सूप भी है, सूप भी हमने रखना है, क्योंकि उससे जो हलीम है, दलीम है, उसके अंदर फ्लेवर और ज़्यादा आएगा। फिर हमने क्या किया, जितनी जो दालें हैं वो आधा आधा कप लेके बीच में जौ डाल के इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लिया। ये देख लें, ग्राइंड हमने मोटा मोटा सा किया है ग्राइंड, और ग्राइंड करके इसमें थोड़ी सी मैंने जो है वो हल्दी डाल दी थी, तो ये ग्राइंडेड है। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन अदरक, ये कुटा हुआ, साथ में हलीम का मसाला मिलता है। ज़ाहिर है लाइफ को थोड़ा सा इजी करना पड़ता है, मेरे पास टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं बना बनाया मसाला इसमें यूज़ कर रही हूँ। हलीम का मसाला है एक पैकेट छोटा वाला, हसबे ज़ायका नमक होगा, लवाजमात में हरी मिर्चें, ये देख लें जो प्याज है उसको तला हुआ है, हरा धनिया जूलियन कटी हुई, ये अदरक है साथ में, हरा धनिया के साथ साथ ये भी है आपके क्या कहते हैं नाजीन, लीमू। और फिर आपने अलहदा से जब सर्व करें तो अलहदा से चाट मसाला रखना है, ताकि जिसने भी एक्स्ट्रा मसाला खाना हो तो वो खा सकता है। इसमें मैंने ऑयल डालना है, और इसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो नाजीन, कोई है हमारे साथ? चले गए, ओके नाजीन चले गए। मैं सिर्फ देख रही हूँ कि इसमें अगर देखची हमें बड़ी वाली मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन, ए वाली देखची ज़्यादा बेहतरीन है। और इसमें 2 अदद प्याज हम पहले लाल करके फिर मसाला बनाएंगे, फिर बाकी का हमने सिस्टम स्टार्ट करना है। अगर मैं कहूँ कि मैं ज़रा नाज़िम देखची साफ़ कर लूँ, सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, साफ़ करने वाला कहाँ है? उससे पूछे वो जो स्पंज है वो किधर रखा है उसने, सबसे नीचे इधर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? मैं रुखसाना न्याजी बात कर रही हूँ। रुखसाना कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है।
ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी? आपकी तारीफ करना चाहूंगी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू यार, और मैं देखती भी साथ साथ मौज रही हूँ। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और आप मेरे मियां बहुत ही शौक से आपका शो देखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट, आप भी शामिल हो गई हैं इस कुरानदाजी में, तो दुआ करें कि आपका जो है वो नाम निकले और आप हील्स के जो शूज हैं हमारे पास वो आप विन कर जाएं और आपको घर पे मिल जाएं वो। आमीन सुमामी। अच्छा, ओके, वंडरफुल। तो मुझे ये बताएं कि जो दुनिया है, दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा सिनेमाज हैं? है? मैंने अभी सवाल की वजह से नहीं पढ़ा। क्या किया? अभी मैं चाय बनाने में बिजी थी तो मैंने वो सवाल सुना ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका नाम तो शामिल हो गया कुरानदाजी में। ठीक है, देखते रहें शो, शो देखते रहें, आपको अंदाजा हो जाएगा। बहुत खुशी हो गई और यकीन भी नहीं हो रहा। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट, इसी तरह प्यार करते रहें और मैं जब तक दीचियाँ सॉल्व करती रहूँ। तो नाज़रीन ये देखें, ये मेरा एक आर्ट है जो कि मैं हर एक जो मेरे एक दफ़ा गलती से एक बेचारी काम करने वाली आ गई थी कि सिंक जो है ना उसको कीचड़ नहीं बनाया करें, ऐसे धोई है देखती कि बिल्कुल साफ है। अभी क्या नाम है उसका जो हमारे धोता है, वैसे वो भी बेचारा बहुत अच्छा है, चाय देता है आके, बहुत अच्छा है, सज्जाद। सज्जाद का शुक्रिया कि आज उन्होंने मुझे ज़िंदगी की बहुत अच्छी चाय दी जो कि गुलदाद भाई के अंडर उसने सीखी पहले, क्योंकि मेरी चाय जो है वो पूरे केटू में जो है दो लोगों को ही समझ आती है मुझे कैसी चाय पसंद है। एक शहबाज भाई हैं, लेकिन नाज़रीन चाय की कीमत यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है उन्होंने, है ना, 40 रुपए का कप। उसमें क्या होता है, ज़ाफ़रान? आह वाह, एक हमारे साथ कॉलर है। अब इसमें मैंने नाज़रीन डाल देना है ऑयल, ये तेज़ कर देते हैं। ऑयल के अंदर हमने थोड़ा सा प्याज को कड़कड़ाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं आबदा अहमद बात कर रही हूँ सकरदू से। आबदा फ्रॉम सकरदू, क्या हाल चाल है आबदा, आपके खैरियत से? आप ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या कहना चाहेंगी आबदा जी। बहुत बहुत अच्छा शो चलाती है, मैं रोज आपका शो देखती हूँ, बहुत शौक से। अच्छा, थैंक यू। हमारी पूरी फैमिली देखती है। थैंक यू, बहुत खुशी होती है आपका शो देख के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो सकरदू में तो खैर बहुत ही कड़ाकेदार ठंड होगी। बोलने का स्टाइल जी जी, मैंने कहा वहाँ तो बहुत कड़ाकेदार ठंड होगी। जी जी, बहुत ठंड है अभी तो, ठंड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, है ना, बढ़ती जा रही है। जो हमने वो बुखारी हमने जला दी हुई है, बुखारी। ये मम्मी मुझे बताती थी कि कश्मीर में जब होते थे ये लोग तो बुखारियां जलाते थे, रजाई के अंदर आग नहीं लगती रजाई के अंदर फिर बुखारी से? नहीं नहीं, उसको हम बहुत एहतियात से जलाते हैं ना, रात को भी हम बहुत एहतियात से, दिन में भी बहुत एहतियात से। अच्छा। लेकिन काफी मसाइल होते हैं, बच्चे आगे जाते हैं, काफी जल जाते हैं कुछ बच्चे। अच्छा अच्छा, चलो वेरी नाइस। आज की हलीम की रेसिपी आप ट्राई करना, आपका आपका नाम जो है वो मैं देख रही हूँ, आप इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। आपका नाम कुरानदाजी में डाल दिया है और इंशाल्लाह देखे क्या पता आपके हील्स के जूते आपको पूरे आ जाए। हाय हाय, ठीक है ना इसमें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मजा ले नाजी। ए भी डोंग, ये भी नहीं आ रहा पूरा, ए भी नहीं आ रहा पूरा, तो इसके दूसरे वाले किधर गए हैं? ये दाजी ने एक मुम्मा है जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही, ठहरे मैं ढूंढ के रहूँगी किधर गए ढकने। माशाल्लाह, ये ढक, ये रख देंगे इसके ऊपर, यही ठीक है। अब ये तो नाजी ये करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। We short of some things, you know. I have to go to the market to get them. एक नाज़रीन ब्रेक है। अच्छा ये देख लें, इसको हमने सिर्फ लाल पीला नीला कुछ नहीं करना है, इसको सुनहरा करना है, और इसके अंदर मैं सिर्फ अभी थोड़ा से एक दो पीसेस अदरक के ऐसे करके डाल रही हूँ। ये जब हो जाएगा इसके अंदर हमने चिकन जो भूरी हुई चिकन है वो डालनी है। आज हलीम बन रही है सारा खुशाब की फरमाइश पे। कोई सा कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। नाज़रीन वेलकम बैक, हम लोग आ चुके हैं वापस, ब्रेक पे गए थे, और आज बन रही है हलीम, जिसको दलीम एक्चुअली इसका वर्ड है। सारा ने खुशाब से फरमाइश की थी। मैंने अभी तक ऑयल डाला है 1.5 कप, और उसके अंदर मैंने 2 प्याज और लहसुन अदरक कुटा हुआ डाला है, और ये बिल्कुल पक गया है। इसके अंदर अब हमने जो चिकन उबाली थी
उसका सूप भी अंदर है रखा हुआ है, और ये जो भुरी हुई चिकन है ये हम अब इसमें शामिल कर देंगे। आप लोग इस तरीके से बनाएं, बेशक ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। चिकन हलीम है, आप बेशक इसमें चेंज कर सकते हैं, बीफ इसी तरह कर सकते हैं, या फिर आप मटन की अगर खाना चाहें तो। ये देख लें, इसमें हमने इसको थोड़ा सा इसके कच्चेपन को मैंने एक मिनट तक इसको थोड़ा सौते करना है, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो मसाला है, हलीम मसाला जो कि बना बनाया है, दो तीन अच्छी कंपनीज है उनका मिलता है, वो डाल दूंगी। और ये जैसे कि मैंने आपसे कहा है, जौ और कुछ जो दालें हैं आधा आधा कप लेके इसको हमने रफ़ ग्राइंड किया है, रफ़ ग्राइंड करके इसको यहाँ रख लिया है। और लवाजमात भी हैं, सूप भी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि फिर मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। एक हमारे साथ कॉलर हैं और आप विन कर सकते हैं हील्स वालों की तरफ से एक अदर ज़बरदस्त सा ट्रेंडी सा जूता। जो भी कॉल करेगा उसका नाम जो है कुरानदाजी में आएगा और एंड में एक खुशनसीब को मिलेगा हील्स की तरफ से जूता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इसमें मैं नमक डिस्काउंट। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं? ईजा बात कर रही हैं, इस्लामाबाद। ईजा क्या हाल है ईजा आपके? ठीक ठाक है, फेवरेट खाना बन रहा है सर्दियों के लिए तो स्पेशली फेवरेट है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। अम्मी कैसी हैं आपकी? अम्मी ठीक ठाक है, अम्मी की और सिस्टर की तरफ से बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। और जी क्या कह रही हैं? नहीं आप बताएं पहले, आप नहीं नहीं आप बताएं आप पहले। मैं तो आपको ये पूछना चाह रही थी कि ये जो अपर बैली के लिए ना, ये जो अपर बैली अजीब सा निकल आता है, इसके लिए कोई अच्छा सा योगा पोस्चर बताइएगा मुझे। जी जी, मैं सोच रही थी अगले हफ्ते ना एक दिन मैं थोड़े से कुकिंग ऐसा इजी वाला सूप जैसा रखूं और 15 मिनट की आपको जरा अच्छी सी दो तीन आसन बता दूं। क्योंकि आजकल आपको पता है मौसम अच्छा है तो खाने का दिल भी करता है जी, और आप वेट भी अच्छे तरीके से लूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वो जरूर बताइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगले आप बताएं आप क्या कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि आप विन कर सकती हैं आज हील्स की तरफ से शू जो है वो आप विन कर सकती हैं, तो आपका नाम ऑटोमेटिकली चला गया है कुरानदाजी में। बाकी आज का सवाल है कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है वकास, जिसमें सबसे ज़्यादा वो मिलते हैं सॉरी सिनेमाज हैं? आई थिंक यूएसए में। कौन? वियतनाम? यूएसए में। यूएसए, ठीक है यूएसए। Exactly. आपका जवाब नोट कर लिया। और आपने बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया अभी? यार मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन होगा कभी इंशाल्लाह तो उनको बच्चों का एक दिन बच्चों का स्पेशल कर लेंगे। मॉर्निंग वाला बेटर रहता है ना उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इंशाल्लाह। आपके लिए बहुत सारा सलाम और गुड लक, और अपनी अम्मी के लिए बहुत सारा सलाम। और क्या, कहाँ गई ईजा? चल इधर ही हूँ, इधर ही। क्या कह रही है? मेरी अम्मी पीछे से मैसेजेस दे रही हैं कि उसको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार देना। मैंने कहा अच्छा सही है। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी को आपको। कभी कभी ना वो टीवी चैनल पे ना मेरी बहन का और अम्मी का वो हो जाता है, बहन कहती है अम्मी प्लीज चैनल चेंज करने दे, कहती है नहीं 10:30 के बाद कर ले। सो स्वीट, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अम्मी को और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और इंशाल्लाह आप शो देखते रहे, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव। अब नाज़रीन ये देख ले, मैंने इसको साइड पे किया ईज़ा से बात करते करते में, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है चिकन हरीसा, बट इट्स नॉट हरीसा, इट इज द चिकन विद द अनियंस एंड साथ में गार्लिक एंड जो मैंने इसमें अदरक डाली थी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1 से 1.5 टीस्पून, क्योंकि अभी इसमें हमने सूप भी डालना है और दालों का जो मुरक्कब है वो भी डालना है। इसमें जो ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है मैंने जो की है उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च एक मैं कुकिंग के दौरान इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देख लें, ये किया हमने और इसको हमने थोड़ा सा अब सौते किया, और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी दालें, जो दालें और जौ जो है उसको हमने रफ़ ग्राइंड किया था वो इसमें शामिल कर रही हूँ। जिसमें मैंने ये शामिल किया, साथ ही मैंने इसमें जो एक पैकेट हलीम मसाला है वो भी शामिल कर दिया। ये हो गया, अब आपने इसको साथ साथ थोड़ा सा भून लेना है, और इसके बाद मैंने इसमें जो सूप है सूप ऐड कर देना है, जो चिकन स्टॉक है वो सूप, लेकिन इसको साइड पे करके, क्योंकि ये ना हो कि इसमें गुठलियाँ बन जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अब ये सारा कुछ मिक्स होके भुन गया है, ये देख लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये मैं पहले सूप डाल रही हूं। अस्सलाम, कौन बात कर रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, मैं तंजील खान बात कर रही हूँ वाकेंड से। वाकेंड से कौन? तंजील खान। तंजील खान, क्या हाल है तंजील आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं।
सब ठीक ठाक। मैं और मामा आपका शो बहुत शौक से देखते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं और पानी जी? फर्स्ट टाइम। ओके, जबरदस्त। तो ये मुझे बताएं कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा सिनेमाज हैं? यूएसए। यूएसए पे सारों की सुई फंसी हुई है जी, यूएसए में ही है, मुझे कंफर्म है। ठीक है, यूएसए के अलावा कोई मुल्क नहीं समझ आ रहा? यूएसए के अलावा, यूएसए के बाद चाइना आता है, लेकिन फर्स्ट पे यूएसए है। ठीक है, फर्स्ट पे यूएसए। ओके, ठीक है तंजील, ये मुझे बताएं कि आपका नाम भी आज इंशाल्लाह शामिल हो जाएगा, क्या पता आपका नाम निकले और आपको हील्स की तरफ से शूज मिल जाएं। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू तंजील, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, सूप का तो एक बोल था, वो मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन क्योंकि इसमें चिकन भी ज़्यादा है और साथ में हलीम भी, हलीम की जो हमने दाले वाले जो रफ़ ग्राइंड की थी, इसमें हम एटलीस्ट 4 से 5 ग्लास जो है ना वो ज़रूर डालेंगे, ताकि यह पकेगी भी, पकने का ही मेन प्रोसीजर है। अभी भी थोड़ा कम है, इसमें मैं 2 कप के बराबर पानी इसमें और डालेंगे, उसको दरमियानी आँच पर रख देंगे, हल्की आँच पर ये सिमर करेगा, उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है। आप नान के साथ, ताफ्तान के साथ, या खाली जो है, ये देखें, अब आपने इसको हल्का सा साइड पे, मम्मी कह रही होती है भाई माउथ वाटरिंग होता है, ऐसे लगता है स्क्रीन में से आके खा लें, मामा जी मैं इंशाल्लाह आके आपको बना के देगा। ये लिया, अब हमने इसको वापस इस पे रख दिया। अब इसको मैंने लिड लगा देना है, लिड किधर गई, गुलदाद भाई ने लिड ढूंढ ली है, इसको लिड लगा दी। अब ये दरमियानी आँच पर जो है ये कुक होता रहेगा, और इसको मैं बीच बीच में इंशाल्लाह देखती रहूँगी। हमने किसके साथ सर्व करना है? लवाजमात के साथ। और अब जो है आपको आज के गेस्ट का भी बता दूँ, आई होप मैं सही प्रोनाउंस करूँगी उनका नाम। आज हमारे साथ होंगे ब्लाइंड फ्लोक, जिसके जो मेलोडिका के ऊपर हैं वो हैदर हैं, और वोकलिस्ट और गिटारिस्ट जो हैं वो नज़ीर हैं। तो आज ज़रा म्यूज़िकल इवनिंग होगी इंशाल्लाह, ताकि जो है ना काफ़ी सारे टेंशन स्ट्रेसेस होते हैं लोगों के, म्यूज़िक से होता है कि इट्स वेरी थेरेप्यूटिक लाइक कुकिंग। एक हमारे साथ कॉलर हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं जम्बल रानी की नेट से बात कर रही हूँ। कौन? जम्बल रानी। जम्बा रानी, जुम्बा जम्बल रानी। अच्छा, कैसी हैं रानी? किधर लिखा? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ ठीक हो? मैं अलग फसल ठीक ठाक। किस जगह से बोल रही हैं रानी? चिनियोट का फर्नीचर कितना मशहूर है ना? हाँ जी जी जी, रानी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू रानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो आपने फर्स्ट टाइम कॉल की है शो में? हाँ जी। ओके, जबरदस्त। सो आज का सवाल का जवाब बताना चाहेंगी? हाँ जी बताएं। सबसे ज्यादा सिनेमाज जो हैं वो किस मुल्क में हैं? अमेरिका में। अफ्रीका में नहीं हो सकते? नहीं, अमेरिका में। अमेरिका में क्यों ना, ये मुझे वजह बताओ इसकी, वाई अमेरिका? शायद ना हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका नाम भी कुरानदाजी में शामिल हो गया, क्या पता आपको जो है जबरदस्त से जो शूज है वो ये जो हील्स वालों के, देखे नाजी मेरे साथ ही पड़े हुए, ये आप लोग विन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी कॉल करें और इस कुरानदाजी में हिस्सा लें। और अब आज जो बड़ा खूबसूरत एक सॉन्ग आपको सुनाना है, मलिका तरन्नुम नूर जहाँ, अल्लाह उनको जन्नत जगह दे, मोस्ट ग्लैमरस डीवा सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान, मतलब ऐसा जो ड्रेसिंग सेंस और उनमें जो एक खुद में एक जो एस्थेटिक सेंस थी, तो आज उनकी जो बड़ी मेरी फेवरेट है, आप लोगों की भी यकीनन होगी, मम्मी की भी है, सर की भी है, रात पहली है, और ये आज आपको सुनाना है। लेकिन नाज़रीन एक अदद मैंने आपको चीज़ दिखानी है बिफोर। अब ये इसके साथ मैंने जूते ना ये वाले मैच किए हैं, इस वाले ड्रेस के साथ जो कि नज़र नहीं आ रहे, ये देखें ये जूते मैंने मैच किए हैं, लेकिन इन जूतों के पीछे कहानी है। ये 10 ईयर्स से मेरे साथ है और मैंने सिर्फ आज दूसरी दफ़ा पहने हैं, और कहते हैं जूते जब आप बहुत दिन ना पहने ना तो वो ख़राब होने के चांसेस हैं, तो इसलिए एक दो दफ़ा ना वो वाले जूते पहन लिया करें, जब चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक मतलब बहुत इन स्टॉक हो जाए ना तब आपको याद नहीं रहता। तो चलते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, रात फैली है, वाह क्या ज़बरदस्त, उसके बाद ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे ब्लाइंड फ्लोक, मेलोडिका पे हैदर एंड वोकलिस्ट गिटारिस्ट नज़ीर, चल के गाना सुने। आ चुके हैं आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आ चुके हैं,
यंग टैलेंटेड होने के साथ साथ म्यूजिशियंस भी हैं और साथ में इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। तो आज इनकी जो है टैलेंट शोकेस होगा हमारे शो में। और सबसे पहले बता दूं, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, जो इनका बैंड का नाम है दैट्स ब्लाइंड फोक्स, ब्लाइंड फोक्स इनके बैंड का नाम है। और मेलोडिका पे हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे से सैयद हैदर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नाज़रीन, मेलोडिका भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं, लेकिन हैदर जो है वो म्यूजिशियन होने के साथ साथ जो है आर्किटेक्ट भी हैं। सो साइमल्टेनियसली दो, वो भी एक क्रिएटिव वो चीज फील्ड है और ऑब्वियसली म्यूजिक तो है ही है। और अगले जो मेरे मेहमान हैं वो वोकलिस्ट भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं, साथ साथ जो है मीडिया स्टूडेंट भी हैं, और देख लें साथ साथ वो गिटार भी बजाएंगे और कहते हैं मल्टी टैलेंटेड हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अमेजिंग से उमर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ भूल जाऊंगी, मॉडल भी हैं, मेल मॉडलिंग भी करते हैं। सो वेलकम बोथ ऑफ यू। ब्लाइंड फोक्स का इनका जो बैंड है वो खुश आमदीद। थैंक यू, और बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा प्लीज़ ज़रा मेलोडिका दिखा दें, क्योंकि एक होता है ऑर्गन, एक तो ऑर्गन होता है और ये जो है ये मेलोडिका है। ये देख लें, थोड़ा सा बजा के दिखा दें। या प्लीज़, ये एक ख़ास तरीके से बजेगा। हाय हाय हाय, वेरी नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। और आप जो है गिटार बजाते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा बजा के दिखा दें। हाँ, उसके बाद आप लोगों से सॉन्ग सुनते हैं। कवर सॉन्ग ज़्यादा करते हैं कि अपने भी सॉन्ग्स हैं आपके? अभी ओरिजिनल्स पर अभी हम काम कर रहे हैं। okay. और हमारा प्लान जो है वो ये है कि हम न्यू ईयर पर या तो हम अपना ओरिजिनल निकालेंगे या फिर हम अगर कोशिश तो हमारी यही है कि सबसे पहले कि हम न्यू ईयर पर गाना अपना रिलीज कर दें। न्यू ईयर पे? हाँ जी, क्योंकि पहले मैं ऐसा सोलोइस्ट चल रहा था, बट उसके बाद बैंड के साथ चलना पड़ रहा था। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा भी आगे आने वाला म्यूजिक है वो सारा बैंड के साथ ही चले। ओके सर, तो आपके बैंड में कितने और मेंबर्स हैं? एक और मेंबर हैं वलीद, उनकी भी रिसेंटली शादी हुई है, कल उनका वलीमा था, तो इस वजह से वो आ नहीं सके। कल वलीमा तो आज की आज अच्छा नहीं, आज तो छुट्टी आ चुकी है। अच्छा आप कौन सा सुनाएंगे? मैंने कहा आते ही थोड़ा सा एक महफिल जमा लेते हैं। एक बल्कि अभी जो आप प्ले कर रहे थे यही स्टार्ट। कौन सा है, कौन सा? ना कहो, आरो, आरो पाकिस्तान, आरो ऑफ कोर्स। Good.
वेरी नाइस, जबरदस्त. क्या बताओ, आरओ जो है वो बड़ा अमेजिंग ग्रुप था, लेकिन ऑब्वियसली वो म्यूजिक चैनल्स ही खत्म हो गए और अब हैं भी, तो उस तरह की अमेजिंग, बहुत अच्छा गा. उनके लीड वोकलिस्ट का क्या नाम था? ये पेप्सी बैटल ब्रांड के जज भी रहे हैं. जज भी रहे, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मैं आप लोगों से, आई एम सॉरी, बहुत अच्छा आपने गाया. एक बड़ा ऑफ बीट सा सवाल पूछना है. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपसे ये सवाल ऑन एयर पूछूंगी, लेकिन मुझे एक चीज़ बॉदर करती है, क्योंकि मैं अभी देख रही थी स्क्रीन पर. आपको लगता है ये मेरा कंधा उठा हुआ है और ये नीचे हुआ हुआ है, ऐसा है? गौर से देखें, ये कंधा ऊपर और ये कंधा नीचे नहीं है? नहीं, नहीं. मैं मुझे लग रहा है ये वाला नीचे चला गया नाजी. तो इधर बैग पकड़ो, बड़ी बड़ी बैग पकड़ के ना यूँ हो गया. तो मैं बार बार ना चेंज हो रही हूँ. एनी वेज, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हेल्प कर दी. अच्छा, ज़्यादातर आपके जो अपने फेवरेट हैं, उमर आपका कौन सा है, फिर आप बताएं आपका कौन सा. देखिए, जो भी जितने भी मैंने बचपन से गाने सुनते आया हूँ, जुनेद जमशेद साहब, आर ओ बैंड हो गए, और स्पेशली उन दिनों में ये जो मिली नगमे ज़्यादा बजते थे, तो सारे बैंड्स मेरे फेवरेट हैं. बट ये है कि मैं प्रेफर करता हूँ ज़रा प्लेबैक गाने सुनना. अभी आजकल के दौर में नबील शौकत अली को मैं बहुत सुनता हूँ, आईमा बेग को बहुत सुनता हूँ. प्लीज, नबील शौकत अली का वो कौन सा गाना है जिसने बहुत मिलियन उसके, जा तुझे माफ किया? नहीं नहीं नहीं, बेवजह. बेवजह पे जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले सितम है खुदाया, क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल जान, दिल इतना रुलाया के गम मुस्कुराया के अपने हैं अनजान. वो नबील शौकत जो है बहुत, इस गाने ने तो कहां से कहां, आई थिंक ये गाना उनकी करियर का बहुत बड़ा गाना, कहते हैं ना माइलस्टोन साबित हुआ. खैर, नबील शौकत अली को तो मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, जब इनका शुरू का एक ओएसटी आया था दरमियान, वो मेरा बहुत पसंदीदा गाना था, और उसके बाद अभी तक माशाल्लाह से छाई जा रहे हैं. अल्लाह पाक इनके इनको और तरक्की दे. हैदर, आपको कौन पसंद है? मैं अगर अपनी बात करूं तो बिंग एन आर्किटेक्ट, और मैं एनसी से ग्रेजुएट जब हुआ था, तो एनसी की रातें हैं वो खान साहब के बगैर नहीं गुजरती. एब्सोल्युटली. तो कवालियां सुनना, खान साहब की काली काली जुल्फें और सांसों की माला, काफ़ी खूबसूरत. लेकिन अगर से थोड़ा हट के जॉनर की बात करें, तो मुझे अहमद जानजेब के ट्रैक बहुत पसंद थे. वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, लेकिन पता नहीं कहीं खो गए. हाँ, तो वो पता कहीं नहीं भी वो, नजर आते हैं, लेकिन right. अभी कोक स्टूडियो में दोबारा आए थे, रिवाइवल था, लेकिन स्टिल कहो एक दिन उनकी, आज भी वो ट्रैक आप सुने तो मुझे जो फील होता है, कोई भी ऐसा आर्टिस्ट जिसकी आवाज बहुत अच्छी है और वो बहुत एक एक उसका माइलस्टोन है, जिस तरह आपने कहा कि कहो एक दिन, आई थिंक ही इज, उनको एक अच्छी मेलोडी और एक अच्छी कंपोजिशन की जरूरत है, लिटिल कंटेंट भी, लिटिल कंटेंट. एक हमारे साथ कॉलर है, आप दोनों की इजाजत ले लो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी? मैं ठीक ठाक, कौन बोल रही है? मैं नहीं, लाहौर से बोल रही हूँ. नहीद, कैसी हैं आप? ठीक है? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का. बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है, कल से मिला रही थी, मिली नहीं. चले शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई. कैसी हैं? बस ठीक है. कल जर्दा बनाया आपने माशाल्लाह, बहुत अच्छा, मुझे वो स्टाइल बहुत पसंद आया आपका. बस आपने फरमाइश की थी ना? हाँ जी, मैंने की थी बिल्कुल, मैंने कल आपके लिए. और बहुत आसान रेसिपी है, अगर आपसे मिस हो गई है तो YouTube पे भी हमारा शो ऑन होता है, और द मिशी खान शो जो है Facebook पे, उस पे भी अपलोड हो जाता है शो. नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया है, और आपका ड्रेस आज बहुत प्यारा लग रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. बहुत प्यारी लग रही है. शुक्रिया बहुत बहुत. अच्छा, हमारे साथ बड़े जबरदस्त सिंगर है, कोई आपको अच्छा सा सॉन्ग? हाँ जी, वो अभी जो वो सुना रहे थे वो बहुत अच्छा सुना रहे थे, उसका तुम मेरे हो में, दो बोल का, दो बोल का. आपको ड्रामों के सॉन्ग ज्यादा अच्छे लगते हैं ना? हाँ जी.
चले वो वाला सुना देते ना, वो जो अभी आया था हुमायूं सईद वाला, बड़ा फेमस हुआ था। हाँ वही सुना दे जरा प्लीज। ठीक है ठीक है, मेरे पास तुम हो। ओके ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। देखिए आजकल मैंने नोट किया कि ड्रामास के जो ओएसटीज है ना वो बहुत कमाल के बन रहे हैं। मेरे पास तुम हो का भी बड़ा जबरदस्त है, वो सुना दे। मुझे इतना आता नहीं है बट आई ट्राई माय बेस्ट के थोड़ा 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 जैसे मेडले टाइप। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। हाँ मैं समझा था तुम हो तो क्या फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। जबरदस्त भाई, उमर बहुत प्यारा और हैदर, आप यू नो इट्स अ ग्रेट कॉम्बो। आप लोगों की केमिस्ट्री भी बहुत यू नो साथ साथ। आपके और बैंड मेंबर आना था उन्होंने? बिल्कुल उन्होंने आना था। कितने और हैं बैंड मेंबर? हम तीन, सिर्फ एक तीन, एक और प्रिकॉशनिस्ट हैं वो। अच्छा हाँ सॉरी, उनकी शादी अजीन कल, उनका हलीमा तो और आज वो सो रहे हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी है, मैं जरा हलीम भी देख लूँ। हलीम आप लोगों के लिए आज खास बनी है, हमारी भी बड़ी नजरें नजरें हैं ना, बस नजरें आप अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? आया आया जल गई। मैं सायमा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। सायमा क्या हाल चाल है आपके, खैरियत से हैं आप? बन गई जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए क्या कहना चाहेंगी सायमा? आप बहुत अच्छी लग रही, बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो सायमा फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं, आपका नाम भी चला जाएगा कुरानदाजी में। जी जी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ठीक है, आपको ही अगर आपका नाम निकला है तो सवाल का जवाब भी साथ साथ दे देंगे। सबसे ज्यादा सिनेमा घर जो है वो किस मुल्क में है? चाइना। चाइना में जी। ये मुझे बताएं, आप इस्लामाबाद से बोल रही हैं सायमा, तो जो हमारे सिंगर्स हैं ये कितना माशाल्लाह से इन्होंने भी जबरदस्त गाया, कोई आपकी फरमाइश हो ताकि हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा, ईजी पीजी। आपने कुछ सुनना है खास? नहीं बस। क्या पता आज आपका जूता निकला है, मतलब हील्स की तरफ से जूता जो है आपका जूता नहीं, हील्स की तरफ से जूता निकला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इट इज द मेड, हो गया ये दलीम हलीम इज रेडी। किसने कहा था सारा ने खुशाब से, ये देखें अब ये हुआ इस तरीके से है कि आपने जो दालें और जौ बजाय किया वो पीसा पासी कर रहे हैं और दो घंटे लोग पागल हो रहे हैं कि हलीम नहीं बन रही, उसको आपने रफ ग्राइंड कर लेंगे ना उसके बाद इसकी बाकी चीज़ें सब कुक्ड थी। तो अब हमारी दलीम हलीम इज रेडी और इसको निकाल लेते हैं। नाजी थोड़ी सी टेस्टी मार लूँ मैं, एक सेकेंड लेट मी टेस्ट इट। नमक नमक चेक कर लें, बेशक नमक ना होना तो फिर काम खराब हो सकता है। बिस्मिल्लाह माने उफ उफ नाजी उफ, मैं जा रही हूँ, आप लोग करें शो, इतने मजे, इतना परफेक्ट नाजीन इसका माशाल्लाह टच वर्ड, थैंक यू लमी आई लव यू। ओके अब डाल रही हूँ नाजीन हली।
हैदर भाई की दिल की धड़कनें तेज होगी कि नहीं ये हैदर भाई कह रहे जल्दी जाए हम अपना मेलोडिक का बजाते हम अपने स्टूडियो में वो कहते हैं ना उसका पाइप पाइपर था वो जब अपना पाइप जाता तो सारे चूहे निकल आते थे हम इसको सूंघते हुए पहुंचे कि आपके रूम किस साइड पे आए ओहो ये क्या हो रहा है सॉरी ये देखे कसम मैं भी आपको ना आप लोग अभी कोई अच्छा सा सुना दे जब तक मैं इसको sure, ऐसी sure. कोई दो चार लाइंस ताकि मैं इसको डिश में निकाल लूं उसके बाद आपने ये खाना है ओके चल दिल मेरे छोड़िए तेरे ये दुनिया झूठी लोग तेरे चल दिल मेरे छोड़िए तेरे ये दुनिया झूठी लोग तेरे डॉलर पुजारी हूँ व्यापारी वादों के कच्चे आवसारी डॉलर पुजारी हूँ व्यापारी वादों के कच्चे आवसारी चल दिल मेरे छोड़िए ये दुनिया झूठी ये दुनिया झूठी लोग तेरे चल दिल मेरे बहुत जबरदस्त नाज़रीन हलीम इज़ रेडी इसके ऊपर मैंने ये तो आपने साइड पे कॉन्डिमेंट्स रखने हैं ये जिसने एक्स्ट्रा डालना है वो डाल ले इस पे हमने हरा धनिया इस तरह स्प्रिंकल कर दिया साथ में आपने ये जो जूलियन कटी हुई अदरक है ये आपने डाल दी उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देते हैं इस तरह करके ये देख लें और इसके ऊपर चाट और ये भुना हुआ प्याज अच्छा आपने इसमें तड़का लगाना है ना तो आप लगा सकते हैं मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया एक आपके पास ऑप्शन है कि आप लगा सकते हैं ये तली हुई प्याज है ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल रही हूँ ये आप देख लें हमारी आज की रेसिपी इज़ रेडी दोबारा से देखना हो तो कल सुबह 9:30 बजे और कल शाम को 4:30 बजे शो रिपीट होगा तो आप देख सकते हैं साथ में मैंने ये जो है हमने अपने लिए थोड़ी सी टेस्टिंग ताकि आप लोगों को पता चले कि ये यहीं पर फ्रेश बना है एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है वापस आएंगे बल्कि आप देख लें ये कॉन्डिमेंट्स मैंने साथ रख दिए हैं ये देख लें ये आज की थरा हलीम इज़ रेडी सारा खुशाब आई होप यू आर वॉचिंग अब देखें सारा ये देखिए और इसके बाद ब्रेक भी चली जाएं और साथ ही ये गुलदार भाई ये दिखाएं ये दिखाएं ना हाफिज़ भाई जो है हैदर को और उमर को चेक करवाएं लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि तीनों बोल्स हैं लेकिन तीनों मैंने डिज़ाइन डिफरेंट रखे हैं मुझे एक तरह के बोल्स नहीं पसंद मुझे 3-4 डिफरेंट डिजाइन तो इसलिए ये आप ले लें थैंक यू टिश्यू पेपर भी जरूर ले लें क्योंकि आपकी नाक बहेगी क्योंकि इसमें माशाल्लाह मिर्चें डाली हैं मैंने मूछें भी हैं
उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा अब थोड़ी सी, अब आपने गाने तो माशाल्लाह से बहुत सारे सुनाए, पहले बताए कैसी बनी है? अरे इनके जरा क्लोजअप चेक करें जरा, कैसी सही बताएं? बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा है ना, बहुत अच्छी। इसमें नमक की जरूरत है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खाने के मामले में बिल्कुल उफ सच बोलता हूँ, मतलब आप अगर ऐसे एक्सप्रेशंस देंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं मैंने कहा उफ मजे, मैं कम अपनी सॉरी नाजी, हरी मिर्च है प्लीज, हरी मिर्चें कम डालें ऊपर, वेरी नाइस ना, बिल्कुल बहुत बेहतरीन है। और कितनी जल्दी बन गई, लोग सुबह से घोटा घाटी शुरू, लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं जब एक चीज आसानी से बन जाती है? ये मर्द है रात भी बना सकते हैं जो अकेली रहती है ठीक है। अच्छा वो उमर जी, जी। आपने अभी तक अच्छा सॉरी उमर वो है माफ कीजिएगा, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अलीम। अच्छा उमर आप मॉडलिंग भी करते हैं साथ में, आप मीडिया स्टूडेंट हैं जी जी, किस यूनिवर्सिटी में? मैं इकरा यूनिवर्सिटी। अच्छा इकरा में, ओके जबरदस्त। और अभी आपने खत्म कर ली पढ़ाई की फाइनल ईयर में? बस मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, फाइनल ईयर तो इंशाल्लाह इस साल। तो उससे क्या आपको फायदा होगा मीडिया साइंसेज से? बस मीडिया साइंसेज ये है कि मुझे मीडिया साइंसेज जो भी मेरे तीन साल गुजरे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप आर्ट से रिलेटेड बात करें, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रोडक्शन साइड पे जो भी चीज़ें होती हैं काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया। मतलब इन तीन साल के बाद अगर मैं तीन साल से पहले अपने आप को देखता था तो शायद इतना भरा भरा नहीं लगता था, बट अभी ये है कि अगर कोई चीज़ अगर कैमरा पहले फोटोग्राफी करते थे वो डिफरेंट तरीके से करते थे, अब किसी चीज़ को भी हम करते हैं तो वो समझ के यार इसकी क्या इसके पीछे चीज़ है क्या जो करने वाली है, उसकी बाल की खाल मतलब बाल की खाल उतार के सब कुछ मॉडलिंग की है मैंने, उसके अलावा थोड़ा बहुत किसी प्रोडक्ट के लिए, मैंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए किया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स मेरी फेवरेट टीम नाज़िर, और उसके अलावा मैंने ये डीवीसीज किए हैं शूट्स चीज़ीस ब्रांड के साथ। नाजी पिज्जा, ओके लवली। तो बाकी ये है कि अभी मैंने फुल कंसंट्रेशन जो है वो म्यूजिक की तरफ दे दिए, बल्कि बैंड मेंबर्स भी हैं अभी काफी बिजी रहते थे तो मैंने उनको बोला था कि यार अभी दिसंबर तक सारे फ्री हो जाओ क्योंकि दिसंबर में हमने कुछ डिफरेंट सा ट्राई करना है। ओके हैदर आप माशाल्लाह से यू नो ये आर्किटेक्ट, क्या क्या डिजाइन किया अभी तक, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप किए अगर बताना चाहें तो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रहा हूँ एज एन आर्किटेक्ट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली आर्किटेक्ट इन पाकिस्तान नेवी करंटली जो कि नॉर्थ साउथ पोल को डील कर रहा है। नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल्स पे, सॉरी नॉर्थ एंड साउथ पोल, दोनों ज़ोन्स, दोनों ज़ोन्स, अच्छा मैंने कहा पोल जी। और इन माय 5-3 इयर्स टेन्योर्स में मैंने अभी तक 182 प्लस प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं ऑन ग्राउंड। अच्छा वाओ माशाल्लाह, इंक्लूडिंग सम बिग प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अपनी फर्म भी है स्क्वायर फीट आर्किटेक्ट्स के नाम से। किस नाम से? स्क्वायर फीट आर्किटेक्ट्स के नाम से। स्क्वायर फीट आर्किटेक्ट्स के नाम से इनकी फर्म भी है जो कि फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे है फेस स्क्वायर फीट आर्किटेक्ट्स, स्क्वायर फीट आर्किटेक्ट्स। ओके तो आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं अभी, इन द पाइपलाइन कौन सा है? मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने रिसेंटली जिम का प्रोजेक्ट किया था अभी, इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें फिर फर्दर और डिटेल्स होती हैं कि इसमें किसमें एनिमेशंस में काम करते हैं। और उसके अलावा मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखता भी हूँ, मैंने रिसेंटली लास्ट ईद पे एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की थी वजूद के नाम से, वजूद ओके, ऑन यूट्यूब या अदर यूट्यूब पे भी रिलीज है और बिंदाउ स्टूडियोज के साथ मिलकर हमने रिलीज की थी। अच्छा एक बहुत अच्छा एक थॉट प्रोसेस था, एक सोच थी, तो उसको हमने फिर सिनेमा पे लेके आए, स्क्रीन पे लेके आए उसको ऑडियंस के लिए। नहीं नहीं ये बेसिकली आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है आने वाले दिनों में, यू नो आप म्यूजिक भी कर रहे हैं आप। मैंने थिएटर भी बहुत किया वैसे। अच्छा थिएटर किया किसके साथ? मैंने एनसी में अलिफ अदाब वगैरह के साथ नौटंकी बहुत किया। अच्छा अच्छा मिमिक्रीज एंड ये सब कुछ, मतलब विद इन सेकंड अरे भाई क्या कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया तुम्हें? अच्छा करते हैं, चले अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुमसे कैसे ऐसे बात कर सकते हैं? अरे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, एक मिनट रोक रहे हम पान ठोक के आते हैं उसके बाद तुमसे बात करते हैं। आप होके बैठो चुप करके दो। अरे हमारा फोकस सिस्टम हलीम के ऊपर है, हमें टिकट ना दो हलीम के ऊपर। तेरी नजर बड़ी तेज है भाई, तेरी तो ग्लासेस भी नहीं है, तू चश्मा बगैर शीशे के पहनता है। अरे आपको किसने बताया, ये हमारा सिग्नेचर है भाई, आपको किसने बताया? दिखा मुझे दिखा। अच्छा मैं आपको सिग्नेचर का बताऊं कि इसके अंदर शीशे नहीं है, मुझे दूर से मैं देख रही हूँ, कह रही हूँ ये एनसीए के है ना, तो एनसीए में यही चीजें होती है। आप बता ये देख, अरे हमारी आंखों की बहनाई चली गई। तेरी बहनाई नहीं, तेरा दिमाग की दही तू है।
चल बैठ चुप करके। अरे बहुत शुक्रिया। अच्छा इस टाइप की? ओके जबरदस्त। मतलब क्रॉस टॉकिंग। यू एक्चुअली डिड कैरेक्टर्स? या एनसी में मैंने थिएटर जब किया था तो मैंने 3 साल डायरेक्ट भी करवाया वहाँ पे अपनी सोसाइटी में। देखिए जो कैरेक्टर्स करने का मजा है ना वो हीरो हीरोइन का इतना नहीं। नो। अच्छा एक तो ये आपने किया, कोई और? डिफरेंट है मतलब किसी आप लोहरी एक्शन में चल जाते हैं या किसी कैरेक्टर में। लोहरी एक्शन में मैं ऐसा ना बोल देना कि हमारे लास्ट प्रोग्राम है खुदा ना खास्ता। नहीं नहीं मैं ना आपसे इस तरीके से बात नहीं करूंगा ना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं ना उस दिन आरकली गया था ना तो मेरे ना मुझे बहुत भूख लग रही थी। अच्छा तो मैं वहाँ पे गया, गोलगप्पे मिल रहे थे, मैंने गोलगप्पा मुँह में रखा, गोलगप्पा मुँह में फट गया। फट गया मुझे समझ नहीं आया। मैं साथ वाले मोहल्ले में गया लक्ष्मी चौक के ऊपर ना, वहाँ पे ना हनी भाई सनी भाई मून भाई तीनों खड़े हुए थे। मैं डर गया, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ यहाँ पे। ये तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अच्छा ये हो गया, फिर एक थर्ड वाला चले, फिर आपसे भी मैंने थोड़ा सा एक्टिंग की। मुझे एक चीज मुझे वाकया याद आ गया लाहौर से। क्या? अगर ये बताना चाहते हैं तो पहले बता दो। प्लीज प्लीज। वो लाहौर का वाकया ये है कि हम उधर गए थे लाहौर, तो हमारे साथ ना बहुत अच्छी खातून बहुत प्यारी लड़की थी वो बैठ गई। अब कोई वो उधर बहुत थोड़ी पुरानी बात है, झूले वगैरह उधर उस एरिया में बड़े ज्यादा थे तो वो काफी तरात रू निकलते थे जब झूले ऊपर जाते थे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि झूला भी ऊपर जाएगा तो फिर मतलब थोड़ी बहुत मतलब गपशप हो सकती है। हाँ। आपको भी डर लग रहा है ना, तो वो उनके एक्सेंट है ना वो कहते हैं ना क्यूट है जब तक म्यूट है। इस तरह बैठी हुई ना वो बाजी, इस तरह बैठी हुई ना, तो मुझे थी बहुत खूबसूरत, तो मुझे इस तरह कहती है भाई। मैंने कहा जी, उसने भाई बोला तो मेरा वैसे, मैंने कहा जी अरे आपका भी फर्स्ट टाइम है। हाँ जी मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मैंने माफ करो मैं फर्स्ट टाइम भी नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। यही खूबसूरती है पाकिस्तान की। हाँ। कि आप जिस तरह ट्रेवल करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सेंट्स, आप ऊपर पख्तून के बच्चे हैं तो अभी देखो मरी जाए उधर, मुझे बहुत कम समझ आती है कुछ जा रहे हो कितना झुलने हो कितना झुलने हो मारी कॉफी की दो रे मम्मी की कुछ आखिया जी पापा जी बाबा जी। हलीम तो वाकई बहुत मजे की बनी है, मेरी खत्म हो गई तो मैं कह रहा हूँ यार कोई ग्रेवी श्रेवी वाला हिसाब है। ग्रेवी है अभी इंशाल्लाह खाएंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊँ, मैं अपनी टीम से इतना मुझे ये जब ये कहते हैं ना 4 मिनट रह गए तो 4 मिनट में मतलब सारा कुछ करें, तो मैं चाहूंगी एक तो सॉन्ग एंड में सुनते हैं। और हैदर एनीथिंग यू लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स, आप अपनी तरफ से कोई अच्छा सा यू नो इंस्पिरेशनल कोई चीज़ कहना चाहे? मैं बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हमेशा अपनी ज़िंदगी में बड़ा सोचेंगे तो आपको बड़ा मिलेगा, और एक बड़े बड़े आप ख्वाब बनाएं सोचें और उसके लिए मेहनत करें। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये भी करते हैं वो भी करते हैं वो भी करते हैं, तो किस तरह कर लेते हैं? इसका एक छोटा सा सीक्रेट है कि आप हर चीज़ को, जिस चीज़ को आप टाइम देंगे वो चीज़ आपको उसका रिटर्न करेगी। सो जस्ट थिंक बिग एंड हैव बिग एंड वर्क हार्डर। और एक और बात मैं करना चाहूँगा आर्टिस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड कि अपना काम पर बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंट होकर काम करें और बस अच्छे की उम्मीद रखें, कभी भी कोई भी चीज़ जो है उससे मायूस ना हो, और इंशाल्लाह जो भी आप लोग जिंदगी में चाहते हैं आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि अक्सर हैदर भाई जब भी मैं इस तरह चीज़ें नोट कर रहा होता हूँ तो काफ़ी मैसेजेस वगैरह भी रिसीव होते हैं, मेरा बड़ा दिल करता है कि यार मैं उनको बोलूं कि अच्छे टाइम भी मतलब इंतज़ार करना पड़ता है आपको, हार्ड वर्क जो है आपको, यू विल बी वेयर यू वांट टू बी वन डे। आपकी मेहनत जो है वो हमेशा रंग लाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो ब्लाइंड फॉक्स। ब्लाइंड फॉक्स है राजी, मुझे जो स्पेलिंग मिली थी वो शुरू में हमेशा ये होता है ब्लाइंड फ्लॉक। कैन यू ब्लाइंड फ्लॉक? आई वांट टू सी ऑन स्क्रीन, इट्स BLIND। ओके राजी, चीन में सबसे ज्यादा सिनेमाज हैं और वो बोल पता नहीं किधर गया जिसके अंदर वो थे। अब मुझे मेरे जो है बता कौन किसने विन किया प्लीज बता दें। एक ही जवाब बिल्कुल सही था जो कि इस्लामाबाद से साइमा ने जवाब सही दिया था, तो हील्स की ये जूते जो है उन तक कुरियर पहुंच जाएंगे। ठीक है ये देख लें आप, वो जो आप मुझे करते हुए देख रहे थे ना वो मैं बोल बोल कर रही थी कि बोल गुलदार भाई ने बोल ही गायब कर दिया, सॉरी माफ कीजिएगा। अभी कहते होंगे गेस्ट बोल रहे हैं और हम कुछ और अपनी कहानी लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में कौन सा गाना सुना रहे हैं आप? हम एक मेडले सुना रहे हैं आपको। कौन सा? ये वैसे तो मेडले असरार शाह के हैं, उन्होंने काफी ज्यादा गाने जोड़ कर एक गाना बनाया है, बट ये है कि
अच्छा है नहीं, अच्छा सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक स्माइल, चीज, वेरी नाइस, थैंक यू। नाज़िर इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी अब, एक मिनट रुक जाओ। नाज़िर आप मेरी इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे चार दिन के बाद, आने वाले बुध को, कल सुबह 9:30 और शाम को 4:30 शो देखना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू टीम का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं ठहर जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मार गई उड़ीक मनु, दे गया तारीख मेरा ढोला, पता असीर लेके के जिना पिछे असीर गए लार शब्द खावर दगा मिस्तूर माना रवना ताजा